Hey YTBS की हलचल, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज मैं सुपर एक्साइटेड हूँ आपको इस न्यूज को देते हुए कि YT भारत की फैमिली 15,000 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर चुकी है। वो दिन दूर नहीं है जब ये 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक हम लोग पहुंच जाएंगे। हमारी फैमिली तेजी से ग्रो हो रही है केवल आप लोग के लव एंड सपोर्ट से, और इसके साथ साथ मेरे अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद की वजह से, मेरे वाइफ और डॉटर के सपोर्ट से आज हम लोग ग्रो कर रहे हैं अपनी इस फैमिली को। दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है मनाली के Q&A सीरीज पर। हम इस वीडियो को बना रहे हैं, इस Q&A सीरीज में आप देखेंगे मनाली से जुड़े हुए मैं आपको 10 सवालों के जवाब देने जा रहा हूं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद मनाली जाने के लिए हम लोग बेकरार हैं। मैं भी जाने के लिए तैयारी कर रहा हूं, जैसे लॉकडाउन खुलेगा कोशिश करूंगा आपको मनाली से लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करके दिखाऊं। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको और भी मैं कुछ जानकारियां एक्स्ट्रा देने जा रहा हूं इस वीडियो पर, तो दोस्तों बने रहिए पूरे वीडियो पर लास्ट तक। मैं आपको एक एक करके स्क्रीन पर क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा और उसके आंसर भी मैं एक एक करके आपको देने जा रहा हूं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहला सवाल है, मोहन बेनीवाल जी कर रहे हैं बस कब स्टार्ट होगी भाई, प्लीज टेल मी। तो बेनीवाल जी मैं आपको बता देता हूं, अभी चल रहा है June 6, 2021 और उम्मीद है मेरी कि जून के अंदर ही आपकी रोडवेज की और वॉल्वो बसें स्टार्ट हो जानी चाहिए, नहीं तो जुलाई के अंदर तो ये हर हालत में स्टार्ट हो जाएंगी और आपका ट्रैवल भी स्टार्ट हो जाएगा। हिमाचल जाना चाहते हैं तो आप सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हिमाचल, खास करके मनाली और शिमला या डलहौजी, धर्मशाला जैसी जगहों पर जा करके अपने टूर को इंजॉय कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल लेते हैं जो है मुख्तार जी का, सर मनाली फ्लाइट से जा सकते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ मुख्तार जी के सवाल के साथ साथ आपको भी आंसर देता हूँ कि अगर आप कुल्लू मनाली जाना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है, नियरेस्ट एयरपोर्ट है, वो है भुंतर, जो लगभग 11 किलोमीटर है आपके कुल्लू से और 52 किलोमीटर है लगभग मनाली से, मतलब मैं बात कर रहा हूँ मनाली के मॉल रोड से। तो अगर आप एयरपोर्ट जाते हैं तो वहां पर आपको टैक्सी करके जाना पड़ेगा, और अगर आप पैकेज बुक करवाते हैं तो अपने ट्रैवल कंपनी से बात कर लीजिए कि आपको वहां के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी कि नहीं कर जाएगी। अब दोस्तों हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं और आपको बताते हैं, सर हिमाचल में स्नो के लिए कौन सा मंथ बेटर होगा? तो स्नो के लिए जो सबसे बेटर मंथ होता है वो होता है दिसंबर और जनवरी। सबसे ज़्यादा स्नोफॉल पड़ती है हिमाचल के मनाली के अंदर, और शिमला के अगर हम बात करें तो इस साल तो एक दो ही दिन ही पड़ी है और मनाली में तो अच्छी खासी स्नोफॉल हुई है। तो दिसंबर और जनवरी में जाइए, हालांकि आपकी जो स्नोफॉल होती है वो फेब के अंदर भी होती है, मार्च के अंदर भी होती है, और अब की बार तो अप्रैल में भी हुई है, लेकिन सबसे प्रीफर्ड मंथ होता है दिसंबर और जैन, आपको ज़रूर जाना चाहिए अगर आप स्नोफॉल देखना चाहते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा जो कर रहे हैं अब्राहम विल्स जी, इनका सवाल है, मुझे जुलाई में जाना है, कोविड सिचुएशन के हिसाब से हनीमून के लिए बेस्ट प्लेस कौन सी होगी? तो अब्राहम जी मैं बताता हूँ आपको कि साउथ में तो जाना अभी के लिए अगर हम बात करें तो रिस्की है, साउथ में कोविड तेज़ी से फैला हुआ है, लेकिन नॉर्थ की बात करें खास करके कश्मीर और हिमाचल आप इजीली जा सकते हैं और वहां जा करके अपने हनीमून को सेलिब्रेट कर सकते हैं। चाहे मनाली चले जाइए, मनाली शिमला चले जाइए, कश्मीर चले जाइए, सब कुछ सेफ है, कुछ दिनों में जाइए। खास करके मैं आपको प्रीफर करना चाहूँगा अगर आप जुलाई में जाएंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं जो हमारा फिफ्थ सवाल, वो है राम खिंची जी का, पूछ रहे हैं, सर मैं आपके वीडियोस बहुत दिनों से देख रहा हूं, मैं आपका पैकेज लेना चाहता हूं मनाली का। तो राम खिंची जी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप कोई भी पैकेज बुक करना चाहते हैं तो YT भारत पर मैं केवल एक कंटेंट क्रिएटर हूं और मैंने अपने वेरीफाइड ट्रैवल पार्टनर्स के लिए आपके लिए स्पेशल वीडियो क्रिएट करता हूँ जो आपको गाइड करते हैं कि अगर आप पैकेज लेकर के जाना चाहते हैं तो कौन सा पैकेज आप लेकर के जा सकते हैं, क्या रेट्स होते हैं, सारी जानकारी आपको मैं प्रोवाइड करता हूं, फैसिलिटेट करता हूं। और इस पैकेज को बुक कराने के लिए मैं अपने वीडियो के टाइटल में, जो भी मेरा ये वीडियो है उसके टाइटल में जो भी चल रहा होता है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैं ट्रैवल कंपनी का नंबर दे देता हूँ, मोबाइल नंबर देता हूँ, जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो में भी मैं अपने वेरीफाइड ट्रैवल पार्टनर का नंबर देने जा रहा हूँ, अगर आपको इंडिया के किसी भी डेस्टिनेशन का पैकेज बुक करवाना है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, पूरी चीज़ पता करके जांच पड़ताल करके बुक करवाना है तो करवा लीजिए। मेरे जितने भी अभी तक व्यूवर्स और सब्सक्राइबर इन ट्रैवल कंपनी से पैकेज लेकर गए हैं, लगभग 350-400 के आसपास जा चुके हैं पिछले 6 महीने के अंदर अंदर, वो सभी सेटिस्फाइड हैं, 0% की कंप्लेंट है, तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। अब चलते हैं सिक्स सवाल उठा लेते हैं, सिक्स क्वेश्चन में पूछ रहे हैं बाबा रवि पाल जी, सर मैं नवंबर में जाना चाहता हूं तो सर कब बुक कराना ठीक होगा? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, अगर आप 1 मंथ पहले बुक करवाते हैं तो सबसे बेटर रहेगा, वरना कभी कभी ऐसा होता है सीजन कम होता है तो आप इमरजेंसी में
एक दो दिन पहले भी बुक करवा सकते हैं, लेकिन सीजन में तो कम से कम 1 मंथ पहले बुक करवाना चाहिए। सीजन मतलब आपका हो गया दिसंबर जनवरी और यहाँ पे मई और जून, ये सीजन का टाइम होता है, तो आप नॉर्मली 1 महीने पहले बुक करवा सकते हैं। सुनील जय सिंह जी पूछ रहे हैं 7th नंबर का सवाल, हैट्स ऑफ फॉर योर हेल्प ब्रो, बट आर द होटल स्टे मेंशन्ड मेंटेन इन गुड कंडीशन? होटल के बारे में इनका कंसर्न है, जो भी होटल यहाँ पर हमारे ट्रैवल पार्टनर प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो वेल मेंटेन्ड होते हैं, क्या उनकी कंडीशन होती है। और इसके साथ मैं एक सवाल और पिक कर लेता हूँ जो आज YT भारत के इस वीडियो पर एक पूछा गया है। उन्होंने पूछा है कि क्या आप जो होटल बताते हैं क्या वही होटल प्रोवाइड करते हैं या साथ में जो सिमिलर लगाते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि होटल जो हम लोग बताते हैं खास करके 99% हम लोग वही प्रोवाइड करते हैं हमारे ट्रैवल पार्टनर्स, और 1% की संभावना होती है, कई बार इतनी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है खास करके आपके सीजन के टाइम में कि होटल में प्रॉब्लम हो जाती है, और उस समय उससे सिमिलर कैटेगरी का होटल प्रोवाइड करना होता है। लेकिन जो सवाल एक्चुअली में पूछा था इसके पीछे साइंस था कि क्या लो कैटेगरी का होटल आप उल्लू बना करके प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। YT भारत पर आप सेटिस्फाइड होकर के जो आपको कैटेगरी का होटल हम बताएंगे सेम उसी कैटेगरी का होटल, अगर आपको ये नहीं दे पाते तो अगला होटल सेम उसी कैटेगरी का होगा, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी होगी। वेल मेंटेन्ड रूम होते हैं, पूरी सर्विसेज बेस्ट नंबर 1 की होती है, क्योंकि ट्राई एंड टेस्टेड ये हमारे वेरीफाइड ट्रैवल पार्टनर हैं, और अभी तक कोई भी कंप्लेंट नहीं आई है जिसकी वजह से हमको शर्मिंदा होना पड़े। अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट सवाल। SR एडिट्स जी पूछ रहे हैं, इनका ये नाम नहीं है, कंपनी का नाम होगा या चैनल का नाम होगा। 8th नंबर का क्वेश्चन है, सोलो जाना है 2 फ्रेंड्स को पैकेज मिलेगा या नहीं? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, YT भारत पर जो भी पैकेज बताए जाते हैं खास करके मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 99% हमारे पैकेज में कि कम से कम एक कपल की तो रिक्वायरमेंट है ही है। अगर कोई फिक्स डिपार्चर पैकेज मैंने एक दो बार YT भारत पर इंस्टॉल किया भी है, लाइव किया भी है, तो उसमें मैंने पूरी तरह से बता दिया है, नहीं तो 99% वीडियो में कम से कम 1 कपल यानी कि 2 लोगों की ज़रूरत तो होती ही होती है, तो आप सोलो के बारे में भूल जाइए। अब चलते हैं 9th नंबर का सवाल लेते हैं। अमन सैनी जी पूछ रहे हैं, स्टार्टिंग नवंबर में किस तरह का वेदर होगा, ठंड ज़्यादा होगी क्या? तो मैं आपको अमन जी बता देता हूँ, अगर हम बात करें मई की, जून की, जुलाई की, तो उस समय खास करके हिमाचल के मनाली में आप जा सकते हैं बिना वुलन के स्वेटर लिए, लेकिन हमेशा आप एक ना एक रेन चेटर टाइप की जैकेट कैरी करिए, अम्ब्रेला कैरी करिए, क्योंकि बरसात कभी भी हो सकती है रीजन्स के अंदर, तो वो ज़रूर करिए, लेकिन वुलन आप ना कैरी करें तो आपको चल जाएगा। लेकिन इसके बाद मई, जून, जुलाई के बाद आप किसी भी मौसम में जाएं मनाली में तो स्वेटर ज़रूर लेकर के जाएं। दिसंबर जनवरी में तो अच्छे खासे स्वेटर के साथ साथ हैवी जैकेट्स, ग्लव्स, सब कुछ लेकर के जाएं, 4-5 सॉक्स, जुराबे लेकर के जाएं, तभी काम चलेगा, अम्ब्रेला लेकर के जाएं। ये सारा वीडियो मैंने पुराने वीडियो में बताई है, सारी जानकारी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो अमन जी आई थिंक आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। दोस्तों अब चलते हैं 10वें सवाल पर, जो YT भारत को और मुझे अब्यूज़ करते हुए पूछा गया है। पहला वर्ड मैं पढ़ नहीं सकता, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आगे का मैं पढ़ने जा रहा हूँ। घंटा है ये ट्रिप, खुद जा कर के इससे अच्छे से घूम सकते हैं, 4 घंटे में 5 से 6 प्लेसेस पर घुमा रहे हैं, घूमने का पैसा दे रहे हैं या फोकट का दे रहे हैं? तो दोस्त मैं आपको पूरी तरह से पहली बात क्लियर कर देता हूँ कि जो फर्स्ट वर्ड आपने मेरे लिए यूज़ करा है मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं करा और वो आपको मैंने रिटर्न कर दिया है। अब आगे आपके सवाल का जवाब मैं देने जा रहा हूँ कि मनाली की जो लोकल साइट सीइंग होती है फर्स्ट डे की, जब आप पहुँचते हैं मनाली के अंदर, चाहे वो खुद अपने आप पहुँचे बिना पैकेज के, जब आप पहले दिन पहुँचते हैं मनाली में तो लगभग आप पहुँचने के बाद इतने थक चुके होते हैं कि फुल डे का आगे साइट सीइंग टूर कर नहीं सकते। और सालों सालों से मनाली के अंदर यही ट्रेंड है कि फर्स्ट डे जब आप पहुंचते हैं तो लोकल साइट सीइंग टूर होता है, जो आपका पूरे मनाली के माल रोड से 5-6 किलोमीटर के अंदर ही होता है। और ये प्लेसेस ऐसे हैं जहां पर हद से हद आधे घंटे आप स्पेंड करना चाहेंगे, उसके बाद वन विहार जैसी जगह है जहाँ पर आप 1 घंटा अपना स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ भी होती हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी जगह नहीं है 5-6 प्लेसेस में जहाँ पर आधा घंटा से ज़्यादा आपका यूज़ होता हो। तो आपका ये जो लोकल साइट सीइंग का टूर होता है वो 4 घंटे से लेकर के 5 घंटे के बीच में होता है। और अगर आप खुद इस टूर को लोकल साइट सीइंग के करना चाहें तो आप खुद इस टूर को कम से कम 6 घंटे से ज़्यादा ही में ही कर पाएँ, क्योंकि वेल नोन ड्राइवर जब पैकेज लेकर के जाते हैं तो आपके साथ होता है, उसको पता होता है कहाँ पार करना है, कहानी गाड़ी रोकनी है, कितनी देर में वहाँ से निकलना है, सब चीज़ें आपको पहले से ही वो बताता है, गाइड कर देता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका टूर बहुत ही कंफर्टेबली
अगर आप पैकेज लेकर के जाते हैं तो फर्स्ट डे का लोकल साइट सीइंग का टूर हो जाता है। तो अंकित कौशल जी आई थिंक आज तक कभी गए नहीं, लेकिन कमेंट करने से ये लोग बाज नहीं आते और कमेंट करते हैं हमेशा निगेटिव, जो हम लोगों को कभी भी पिंच नहीं करता, हम ऐसे एब्यूसिंग वर्ड को आपको रिटर्न कर देते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री सवाल का जवाब मैं आपको अपनी तरफ से देने जा रहा हूं, जो है ट्रैवल कंपनी को एडवांस पेमेंट क्यों करनी पड़ती है। ऐसा मेरे से एक दो लोगों ने सवाल पूछा है, बहुत दिनों पहले पूछा था, लेकिन मैं इसका जवाब देना चाहूँगा आपको। दोस्तों किसी भी ट्रैवल कंपनी से अगर आप पैकेज बुक करते हैं तो 99% जो ट्रैवल कंपनीज हैं वो एडवांस पैसा लेती ही लेती हैं। एडवांस इसलिए लेती हैं क्योंकि उन्हें आगे वेंडर को पेमेंट करनी होती है। मनाली पैकेज को लेकर के बात कर लेते हैं, अगर कोई मेरा वेरीफाइड ट्रैवल भी पार्टनर बुक करेगा तो उसका ना तो वहाँ पर होटल खुद का होता है, ना ही जो आपको कैब दे रहा है वो अपना होता है, ना ही वॉलो बस अपनी होती है। वो सब टूर को ऑर्गेनाइज करके आपको सिर्फ ऑफर कर रहे होते हैं, वो आपकी सर्विसेज को देखते हैं, आपको गाइड करते हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो खास करके वाईटी भारत के ट्रैवल पार्टनर्स आपको हमेशा अच्छी तरह से गाइड एंड सपोर्ट करते रहते हैं। ये ट्रैवल पैकेज की खास बात होती है, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने देते। लेकिन एडवांस पेमेंट इसलिए करनी होती है क्योंकि इन ट्रैवल कंपनीज को भी होटल को थोड़ा सा एडवांस पे करना है, कैब को एडवांस पे करना है, और पूरी टिकट का वॉल्वो का तो पैसा पूरा एडवांस में जाता है। तो अन सब चीज़ों को बताने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए एडवांस पेमेंट 25-30% आपको करनी होती है, बाकी पेमेंट आप मनाली में जा करके पे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी लोगों के मन में सवाल था वो उनको जवाब मिल गया होगा। और इसी तरह के वाईटी भारत के बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमेशा वाईटी भारत पर चैनल पर बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, किसी भी सवाल को पूछ सकते हैं कमेंट करके। बने रहिए वाईटी भारत चैनल पर, मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, नमस्कार। We'll be right back.